हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला, और कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपको एक चीज बता दूं कि भुवन जोशी केस से रिलेटेड ये मेरी लास्ट वीडियो है। तो कल से आप सभी के बीच फिर से वही कॉमेडी वीडियो और उत्तराखंड कल्चर से रिलेटेड वीडियो होंगी। तो चैनल पर बने रहें, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि कल आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने सारी चीज़ें तकरीबन आप सभी को बता दी हैं। भुवन केस से रिलेटेड जितने भी तथ्य हमारे सामने आए थे वो मैंने आप सभी के सामने रख दिए हैं। और अब एक चीज़ और सामने आई है, वो भी मैं आप सभी को बता दूँ कि अब तो लड़की की माँ ने भी यहाँ तक बोल दिया है कि एक हत्या है और इसमें लड़की भी जिम्मेवार है, मतलब लड़की की भी गलती थी। और जो भुवन का भाई है, पहले उसको नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में, जब उसने वीडियो देखी तो अब वो भी चाहता है कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। तो दोस्तों, आप सभी ने अभी तक मेरा बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आगे भी आप मुझे इसी प्रकार से प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे, और मेरी आने वाली वीडियो को भी इसी प्रकार से प्यार और सपोर्ट देंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को पूछा था कि आपकी क्या राय है भुवन जोशी केस से रिलेटेड, तो आप सभी ने, सभी मोस्टली पीपल ने यही बोला कि भुवन को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। तो दोस्तों, वो घड़ी आ गई है। जिन लोगों ने भी भुवन को मारा था, वो गांव के जितने भी लोग थे, उन सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें उम्मीद है कि भुवन को इंसाफ जरूर मिलेगा। अब देखना यह है कि ये केस आगे कब तक चलता है और आगे क्या होता है, लेकिन हम सभी को इस चीज़ की संतुष्टि जरूर है कि जिन लोगों ने भी भुवन को मारा था, पुलिस ने उनको अपने हिरासत में ले लिया है, उनको पकड़ लिया है। तो हमें उम्मीद है कि भुवन को इंसाफ जरूर मिलेगा, और उसकी मौत के जितने भी लोग जिम्मेवार हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। और अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, पुलिस क्या करती है। हमें उम्मीद है कि पुलिस जो भी डिसीजन लेगी वो निष्पक्ष होकर लेगी, जिसकी भी गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि लड़की गलत है, लड़का गलत है, लेकिन हाँ, लड़के को तो सज़ा मिल ही चुकी है, लेकिन अगर लड़की की भी गलती है तो जो भी फैसला हमारी उत्तराखंड पुलिस लेगी, अल्मोड़ा पुलिस लेगी, वो निष्पक्ष होकर लेगी, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो यही सब था दोस्तों जो आप सभी को बताना था कि पुलिस अपना कार्य कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कल से आप सभी के बीच फिर से अपनी कॉमेडी और पार्टी वीडियो होंगी। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर दिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। जय उत्तराखंड, जय भारत।